आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी में आई टेस्टिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है यानी ईटीओ की, उसके बारे में क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो रही है 18 जुलाई से और साथ में ये 7 अगस्त तक चलेगी। वहीं जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 25 रुपीज़ फ़ीस होने वाली है, वहीं एससी एसटी की भी 25 है और फिजिकल हैंडीकैप की भी 25 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। इसमें बात की जाए एज क्राइटेरिया की तो मिनिमम एज 21 साल है इसमें और मैक्सिमम एज 40 साल है, और बाकी एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर द यूपी ट्रिपल एससी आई टेस्टिंग ऑफिसर जो भी उसके रूल के अकॉर्डिंग होगा वो आपको दिया जाएगा। बाकी इसमें बात की जाए नंबर ऑफ पोस्टर्स की तो इसमें 157 पोस्टें कुल हैं। क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट का स्कोर कार्ड होना ज़रूरी है आपके पास, और साथ में आपके पास 12th होनी चाहिए विद साइंस स्ट्रीम से पास, साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए पैथोलॉजी का। इसके अलावा बात की जाए इसमें पोस्ट की तो जर्नल की 110 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 15 है, ओबीसी की 30 है, एससी की कोई सीट नहीं है इसमें और एसटी की 2 सीटें हैं। टोटल 157 सीटों के लिए वैकेंसी है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। जल्द से जल्द अप्लाई करना स्टार्ट करें जैसे ही शुरू होता है और इसकी तैयारी करें। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अपने इस चैनल पे हम इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं आपके लिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।